आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री क्या चीज़ है, डेफिनेशन क्या है डिफरेंशियल ज्योमेट्री की। डिफरेंशियल ज्योमेट्री इज़ अ मैथमेटिकल डिसिप्लिन दैट यूजेस द टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। यानी डिफरेंशियल ज्योमेट्री एक ऐसा डिसिप्लिन है, मैथमेटिक्स का वो डिसिप्लिन है, यानी मैथमेटिक्स में वो स्टडी है दैट यूजेस द टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, लीनियर अलजबरा एंड मल्टी लीनियर अलजबरा टू स्टडी प्रॉब्लम्स इन ज्योमेट्री। यानी ज्योमेट्री में जो प्रॉब्लम्स हैं, ज्योमेट्री हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, ज्योमेट्री क्या चीज़ है, ज्योमेट्री क्या है, स्टडी ऑफ शेप्स, यानी कुछ फिगर्स की शेप, साइज और रिलेटिव पोजीशन, वो स्टडी करना वो ज्योमेट्री है। तो ज्योमेट्री में यानी शेप्स की वो स्टडी जो है वो करना, शेप यानी जो फिगर है उसकी शेप कैसी है, साइज क्या है, रिलेटिव पोजीशन क्या है, वो सारी स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज़ करते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस यूज़ करते हैं, लीनियर अलजबरा और मल्टी लीनियर अलजबरा यूज़ करते हैं। तो ये सारी जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं इसको हम कहते हैं ज्योमेट्री, डिफरेंशियल ज्योमेट्री। अब कैलकुलस क्या चीज़ है? कैलकुलस ओरिजिनली कॉल्ड इन्फाइनाइटेसिमल कैलकुलस। यानी कैलकुलस जो असल में वो उसको हम क्या कहते हैं, इन्फाइनाइटेसिमल कैलकुलस, आर द कैलकुलस ऑफ इन्फाइनाइटेसिमल्स, या इसको कहते हैं कैलकुलस ऑफ इन्फाइनाइटेसिमल इज द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ कंटिन्यूस चेंज। यानी जो फंक्शन में कंटिन्यूस चेंज हो रही है, कंटिन्यूस चेंज जो आ रही होती है उसकी मैथमेटिकल स्टडी को हम क्या कहते हैं, कैलकुलस। इन द सेम वे दैट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ शेप एंड अलजबरा इज द स्टडी ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन। इसी तरह यानी कैलकुलस हम क्या कहते हैं, मैथमेटिकल स्टडी ऑफ कंटिन्यूस चेंज, और ज्योमेट्री क्या कहते हैं, इज़ द स्टडी ऑफ द शेप, और अलजबरा क्या कहते हैं, इज़ द स्टडी ऑफ द जनरलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उनकी जो जनरलाइजेशन है उसकी जो स्टडी है उसको हम कहते हैं अलजबरा, और जो शेप की स्टडी है उसको हम कहते हैं ज्योमेट्री, और कॉन्टीन्यूस चेंज जो है वो उसकी जो स्टडी है मैथमेटिकल स्टडी उसको हम क्या कहते हैं, कैलकुलस। आगे डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है जी, इन मैथमेटिक्स डिफरेंशियल कैलकुलस इज अ सब फील्ड ऑफ कैलकुलस। ये कैलकुलस की सब फील्ड है दैट स्टडीज द रेट्स एट विच क्वांटिटीज चेंज। यानी जो ये स्टडी करती है रेट्स, जिस रेट से क्वांटिटीज चेंज हो रही होती हैं उसको ये स्टडी करती है। अब कैलकुलस क्या है, जो स्टडी मैथमेटिकल स्टडी ऑफ कंटिन्यूस चेंज, और डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है, स्टडी ऑफ द रेट ऑफ चेंज। इट इज़ वन ऑफ द टू ट्रेडिशनल डिवीजन ऑफ कैलकुलस। यानी कि ये दो ट्रेडिशनल डिवीजन हैं कैलकुलस की, कौन सी, द अदर बीइंग एक डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरी कौन सी है, इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस क्या है, द स्टडी ऑफ द एरिया बीनीथ अ कर्व। यानी एक कर्व के अंडर जितना एरिया आता है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस। और डिफरेंशियल कैलकुलस हम किसको कहते हैं, मैथमेटिकल स्टडी, ये स्टडी ऑफ द रेट ऑफ चेंज एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस। लीनियर अलजबरा, लीनियर अलजबरा क्या है, लीनियर अलजबरा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्निंग लीनियर इक्वेशन सच एज दिस। लीनियर अलजबरा क्या है, जो यानी मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें लीनियर इक्वेशन स्टडी करते हैं, ए वन एक्स वन प्लस प्लस अप टू सो वन ए एन एक्स एन इज इक्वल टू बी, एंड लीनियर मैप सच एज एक्स वन अप टू सो वन एक्स एन। यानी अगर यहाँ पे ये लीनियर मैप होगा, यानी यहाँ पे कोई वेक्टर ले nth वेक्टर, तो वो इस तरह मैप हो रहा होगा किसी आगे नंबर पे, ए वन एक्स वन प्लस अप टू सो वन ए एन, इसको हम स्टडी को हम कहते हैं कंसर्निंग जो लीनियर इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन या इस तरह लीनियर मैप तो जो डिस्कस करते हैं वो हमारे पास आता है लीनियर अलजेब्रा, एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस इन वेक्टर स्पेसेस, और इनकी जो रिप्रेजेंटेशंस है वेक्टर स्पेसेस में उसको डिस्कस करते हैं, एंड थ्रू मैट्रिसेस और मैट्रिसेस के जरिए इनकी जो डिस्कशन होती है उसको हम कहते हैं लीनियर अलजेब्रा। आगे है मल्टी लीनियर अलजेब्रा।
मल्टीलिनियर अलजबरा इज अ सब फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स दैट एक्सटेंड द मैथड ऑफ लीनियर अलजबरा, जो लीनियर अलजबरा के मैथड्स को एक्सटेंड करता है, जस्ट एज लीनियर अलजबरा इज बिल्ट ऑन द कंसेप्ट ऑफ अ वैक्टर एंड डिवेलप्स द थेरी ऑफ वैक्टर स्पेसिस। यानी जिस तरह लीनियर अलजबरा जो है वो वैक्टर वैक्टर का कंसेप्ट लेके बिल्ट किया जाता है और डिवेलप करता है वैक्टर स्पेसिस को, इसी तरह मल्टी लीनियर अलजबरा बिल्ट ऑन द कंसेप्ट ऑफ पी वैक्टर्स। यानी ये पी वैक्टर को लेके मल्टी लीनियर अलजबरा ये डिस्कस किया जाता है, एंड मल्टी वैक्टर्स एंड विद ग्रासमैन अलजबरा। तो ये पी वेक्टर्स को लेके, पी वेक्टर्स यानी उसका वेज प्रोडक्ट लेके, तो फिर ये हमारे पास आगे हम उसको डिस्कस करते हैं, आगे मल्टी लीनियर अलजबरा वो कहलाता है, या पी वेक्टर का वेज प्रोडक्ट लेके फिर आगे सारी जो डिस्कशन करते हैं आगे। जी इन मैथमेटिक्स अ मैनीफोल्ड इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। मैथमेटिक्स में मैनीफोल्ड हम क्या कहते हैं कि एक ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस। अब टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होती है? टोपोलॉजिकल स्पेस हम पढ़ते हैं कि टोपोलॉजिकल स्पेस के कोई भी स्पेस हो, एक्स हो, तो वो सर्टन एक्जियम सेटिस्फाई करे, तो हम कहते हैं कि ये टोपोलॉजी डिफाइंड है ऑन द सेट एक्स, और वो जो एक्स और टा वो जो पेयर होता है उसको कहते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस दैट लोकली रिजम्बल्स विद द यूक्लिडियन स्पेस। यानी कि जो लोकली नियर ईच पॉइंट, यानी हर पॉइंट की एक क्लोज नेबरहुड में वो जो टोपोलॉजिकल स्पेस है, यानी वो जो टोपोलॉजिकल स्पेस को बेसिकली हम शेप कह सकते हैं, आगे हम देखेंगे कैसे, तो वो यानी कि जो रिजम्बल करती है वो यूक्लिडियन स्पेस को रिजम्बल करती है। यूक्लिडियन स्पेस को रिजम्बल करने का मतलब क्या है? यानी कि एक पॉइंट की नेबरहुड में वो जो उसका एलिमेंट है वो वही प्रॉपर्टीज या एक्सियम सेटिस्फाई करता है जो यूक्लिड ने एक्सियम्स या पास्टुलेट्स बनाए हुए थे। अब सर्कल आफ्टर अ लाइन, द सर्कल इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ टोपोलॉजिकल मैनिफोल्ड। सर्कल जो है वो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है टोपोलॉजिकल मैनिफोल्ड की। अब कैसे ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है टोपोलॉजिकल मैनिफोल्ड की? टोपोलॉजी इग्नोर्स बेंडिंग। टोपोलॉजी यानी बेंडिंग को इग्नोर कर देती है कि बेंडिंग इसमें कितनी आ रही है, कितना कुछ है, वो सारी इग्नोर करके, सो अ स्मॉल पीस ऑफ अ सर्कल इज ट्रीटेड एग्जैक्टली द सेम एज अ स्मॉल पीस ऑफ अ लाइन। तो जो सर्कल का कोई स्मॉल पीस है वो बिल्कुल इसी तरह ट्रीट किया जाता है जिस तरह कोई स्मॉल पीस ऑफ लाइन है। आप किस तरह? कंसिडर फॉर इंस्टेंस द टॉप पार्ट ऑफ अ यूनिट सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सपोज हम एक कोई यूनिट सर्कल लेते हैं ऑरिजन पे, उसका कोई टॉप पार्ट कर देते हैं वेयर द वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। यानी जैसा वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, इंडिकेटेड बाय द शेल येलो सर्कल आर इन द फिगर वन। सपोज यहाँ पे ये कि टॉप पार्ट उसका ले लेते हैं, ये येलो येलो सर्कुलर हम ले लेते हैं यूनिट सर्कल का। अब यानी एनी पॉइंट ऑफ दिस आर्क कैन बी यूनिकली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। इसका जो हर पॉइंट है, आप देखें इस आर्क के ऊपर जो हर पॉइंट है उसको मैप करवाएं इस लाइन के ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि एनी पार्ट ऑफ दिस आर्क कैन बी यूनिकली डिस्क्राइब्ड बाय द एक्स कोऑर्डिनेट। यानी कि एक लाइन ले लें इंटरवल के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये जो आर्क है इसका ये जो हर पार्ट है, हर पार्ट वो यूनिकली डिस्क्राइब किया जा सकता है लाइन के इस पॉइंट से। सो प्रोजेक्शन ऑन टू द फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज अ कॉन्टीन्यूस। ये जो प्रोजेक्शन है फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे इसका, ये जो प्रोजेक्शन ले रहे हैं यानी इस पॉइंट का इधर प्रोजेक्शन, पूरी आर्क का इधर प्रोजेक्शन कैसे लेंगे कि ये पॉइंट है इसका प्रोजेक्शन इस तरह ले लेंगे, फिर दूसरा पॉइंट है उसका प्रोजेक्शन ले लें, फिर तीसरा पॉइंट है उसका प्रोजेक्शन ले लें, अप टू सो ऑन यहाँ तक इन सारे पॉइंट्स का प्रोजेक्शन ले लें। तो ये जो इन सारे पॉइंट्स का जो प्रोजेक्शन है ये क्या होगा? ये पूरा ये कंटिन्यूस होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी आर्क जब कंटिन्यूस है तो इनका ये जो प्रोजेक्शन है ये भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। आगे है इन्वर्टेबल। ये इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल का मतलब क्या है कि आप देखें इसका प्रोजेक्शन अगर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन जो है वो ये पॉइंट होगा। इसी तरह अगर यहाँ से पॉइंट लें, ये पॉइंट लें, इसका प्रोजेक्शन अगर ये है तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो ये होगा। इस तरह ये इन्वर्टेबल है।
और आगे क्या है, मैपिंग फ्रॉम द अपर आर्क टू द ओपन इंटरवल -1 to 1, और ये एक मैपिंग है फ्रॉम अपर आर्क टू द ओपन इंटरवल -1 to 1। मैपिंग किस तरह है, क्योंकि हर पॉइंट को हम मैप कर रहे हैं कि इस पॉइंट का इमेज प्रोजेक्ट ले रहे हैं हम, ये पॉइंट इस पॉइंट का हम इमेज ये पॉइंट ले रहे हैं, इस पॉइंट का इमेज हम ये पॉइंट ले रहे हैं। तो इस तरह हम मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम द अपर आर्क टू द इंटरवल -1 to 1। तो ये हमारे पास एक मैपिंग आ गई। मैपिंग का मतलब यही होता है कि एक पॉइंट लेते हैं डोमेन से और उसका इमेज आगे फाइंड करते हैं। आगे रीमानियन ज्योमेट्री है कि ज्योमेट्री के आगे डिफरेंट वो ब्रांचेज हैं। रीमानियन ज्योमेट्री स्टडीज रीमानियन मैनिफोल्ड, स्मूथ मैनिफोल्ड विद रीमानियन मैट्रिक। यानी रीमानियन ज्योमेट्री में हम स्टडी क्या करते हैं, रीमानियन मैनिफोल्ड को। मैनिफोल्ड आप जब भी बात आए तो मैनिफोल्ड हम क्या कहते हैं, जब भी मैनिफोल्ड का वर्ड आए तो हम कहते हैं कि कोई ऐसी शेप है जो लोकली रिजम्बल कर ली है किससे, यूक्लिडियन स्पेस से। तो रीमानियन मैनिफोल्ड का मतलब क्या होगा कि ऐसी जो शेप जो रीमानियन इस तरह क्या होगा, रीमानियन मैट्रिक। मैट्रिक हम डिफरेंट टाइप के, मैट्रिक बेसिकली क्या होता है, मैट्रिक हम कहते हैं कि डिस्टेंस है जब हम डिफाइन करते हैं मैट्रिक के, मैट्रिक कोई पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हम कोई किसी रूल से डिफाइन कर देते हैं। तो हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है, हम किस किस तरह डिफाइन कर रहे हैं उसको। तो इस तरह जो रीमानियन मेट्रिक होगा, यानी हम रीमानियन के तहत हम रीमानियन हमारे पास एक पार्टिकुलर टाइप का मेट्रिक है या डिस्टेंस हम ले रहे हैं, तो उसकी जो स्टडी होगी वो शेप की इस मेट्रिक को लेके, उसको हम कहेंगे ज्योमेट्री, रीमानियन ज्योमेट्री। और स्मूथ मैनिफोल्ड, जिस तरह स्मूथ हम कर्व या स्मूथ मैनिफोल्ड, हम इसको स्मूथ कर्व हम किसको कहते हैं कि यह एक ऐसी कर्व, स्मूथ कर्व होती है जिसके हर पॉइंट पे जो है वो फंक्शन वो डिफरेंशिएबल हो, वो फंक्शन या कर्व वो डिफरेंशिएबल हो। तो स्मूथ मैनिफोल्ड क्या हो जाएगा, यानी वो एक ऐसी शेप हो जाएगी जिसके हर पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल हो, फंक्शन वो जो हमारे पास जो जो शेप है जिसके हर पॉइंट पे डेरिवेटिव डिफाइन किया जा सके, नॉन जीरो डेरिवेटिव। अब रीमानियन मैनिफोल्ड ये एक देखें कि जिस तरह मैंने आपको बताया था, जब भी मैनिफोल्ड का वर्ड आए तो शेप, ये एक यानी कि टिपिकल एग्जांपल है ये एक रीमानियन मैनिफोल्ड की। यहाँ पे ये कोई शेप बनी हुई है, इसके ऊपर ये पॉइंट है एक्स नॉट एक्स वन और एक्स टू, और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ टेंजेंट वैक्टर बनाए गए हैं एक्साई नॉट एक्साई वन और एक्साई टू। इस तरह का कुछ टिपिकल ये रोमानियर मैनिफोल्ड हो गया। इसी तरह स्मूथ मैनिफोल्ड यहाँ पे आ गया। स्मूथ मैनिफोल्ड में आप देखें यहाँ पे क्या आ गया, ये हमारे पास कोई शेप हो गई है स्मूथ, ये कोई रीजन है, कोई शेप दी गई है यहाँ पे, इसके पास इस तरह कोई शेप दी गई है, इस और इधर भी इस तरह कोई शेप दी गई है, इसको हम कहते हैं स्मूथ मैनिफोल्ड। यानी कोई जो शेप है, स्मूथ का मतलब क्या होगा, मैंने जिस तरह बताया है कि कैसी शेप जिसके हर पॉइंट पे जो हमारे पास जो टेंजेंट वेक्टर बन रहा है वो नॉन जीरो हो, तो उसको हम कहेंगे स्मूथ मैनिफोल्ड। आगे सीडो रिमानियन ज्योमेट्री, सीडो रिमानियन ज्योमेट्री जनरलाइज्ड रिमानियन ज्योमेट्री टू द केस इन विच द मैट्रिक टेंसर नीड नॉट बी पॉजिटिव डेफिनेट। यानी जिसमें मैट्रिक जो है वो डिफाइन करें और वो पॉजिटिव डेफिनेट रहा, और पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब क्या है कि डेफिनेटली पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। अगर हम देखें कि आर स्क्वेयर में अगर हम मैट्रिक डिफाइन करें यूजुअल मैट्रिक, तो डी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल होगा, दो पॉइंट्स के दरमियान हम लिखेंगे x2 माइनस y2 प्लस x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, उन दोनों पे होल स्क्वेयर प्लस होल स्क्वेयर रूट। तो वो जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर हम इस तरह मेट्रिक डिफाइन कर दें कि t² माइनस x1 स्क्वेयर माइनस x2 स्क्वेयर माइनस x3 स्क्वेयर, तो ये जो मेट्रिक होगा ये हमारे पास जो डिस्टेंस है ये ज़रूरी नहीं पॉजिटिव हो। तो इस तरह यानी कि जो रिमानियन ज्योमेट्री है, सीडो रिमानियन ज्योमेट्री है, उसमें जो मेट्रिक हम लेंगे वो ज़रूरी नहीं कि ये पॉजिटिव हो मेट्रिक। आगे फिनसिलर ज्योमेट्री है कि ये ज्योमेट्री की ये भी एक ब्रांच है फिनसिलर ज्योमेट्री, उसमें भी फिनसिलर टाइप मेट्रिक डिफाइन करेंगे, तो वो मेट्रिक डिफाइन करके वो जो शेप्स की स्टडी करेंगे उसको हम कहेंगे फिनसिलर ज्योमेट्री। इसी तरह सिंपलैटिक ज्योमेट्री, यानी उसमें इस टाइप का मेट्रिक डिफाइन करके जो शेप्स की स्टडी करेंगे उसको डिस्कस करेंगे हम, उसको सिंपलैटिक ज्योमेट्री कहते हैं। आगे कंटेक्ट ज्योमेट्री है, कम्प्लेक्स एंड कहालर ज्योमेट्री है, ये सारी ज्योमेट्री की जो ब्रांचेज हैं इनमें इसी टाइप के मेट्रिक्स डिफाइन करके तो उसकी स्टडी की जाती है।
जी आगे आगे एप्लीकेशन है कुछ डिफरेंशियल ज्योमेट्री की, कहीं डिफरेंशियल ज्योमेट्री कहाँ कहाँ के पे अप्लाई हो सकती है जी, इस बार बिलो आर सम एग्जांपल्स ऑफ हाउ डिफरेंशियल ज्योमेट्री इज अप्लाई टू अदर फील्ड ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। हम कुछ हमारे पास ये हैं कि एग्जांपल्स हैं कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री किस तरह अप्लाई की जा सकती है दूसरी फील्ड में या साइंस और मैथमेटिक्स में। इन फिजिक्स डिफरेंशियल ज्योमेट्री हैज मैनी एप्लीकेशंस। फिजिक्स में डिफरेंशियल ज्योमेट्री की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, इंक्लूडिंग फॉर एग्जांपल ये है कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री इज़ द लैंग्वेज इन विच आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज एक्सप्रेस। आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसी तरह यानी मेट्रिक डिफाइन करके तो वो सारी स्टडी करते हैं, तो वो उस पर जो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसको डिफरेंशियल ज्योमेट्री की सेंस में सारा लैंग्वेज में सारा एक्सप्लेन किया गया है। अब जनरल रिलेटिविटी क्या है? जनरल रिलेटिविटी आल्सो नोन एज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल रिलेटिविटी को हम ये भी कहते हैं कि थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, और इसी को आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ग्रेविटी भी कहा जाता है। अब ग्रेविटी क्या जीते हैं यानी फोर्स, फोर ग्रेविटी को हम क्या कहते हैं कि फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड बाय द टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जिस तरह होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है। तो इसी तरह इज द ज्योमेट्रिक थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशन। जनरल रिलेटिविटी क्या है कि ज्योमेट्रिक थ्योरी है ग्रेविटेशन की, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो जो फोर्सेस हैं उनकी जो ज्योमेट्रिक स्टडी है वो सारी वो शेयर की, वो हमारे पास जर्नल थ्योरी है पब्लिश्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन 1915 एंड इज़ द करंट डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रेविटेशन इन मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में ये करंट डिस्क्रिप्शन है ग्रेविटेशन की जो इस तरह डिस्क्राइब की जाती है ग्रेविटेशन। जर्नल रिलेटिविटी जनरलाइज स्पेशल रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी को ये जनरलाइज करती है। अब स्पेशल रिलेटिविटी क्या है? स्पेशल रिलेटिविटी में हम स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स, वैसे तो अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स में हम कोऑर्डिनेट्स 1, 2, 3 इस तरह सिंपल ले लेते हैं। अगर आर स्क्वेयर हो तो 2 कोऑर्डिनेट लेते हैं एक्स वाई, इसी तरह अगर आर क्यूब हो तो 3 कोऑर्डिनेट ले लेते हैं X1, X2 और X3, कोई भी यानी 3 कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट है वो आर क्यूब से बिलोंग करेगा। तो इस तरह जो स्पेशल रिलेटिविटी में सबसे पहला ये है कि यहाँ पे स्पेशल रिलेटिविटी में हम स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, यानी एक टाइम का कोऑर्डिनेट कंसिडर करते हैं, बाकी स्पेस का वो स्पेस में हम पे डिपेंड करता है, स्पेस का एक कोऑर्डिनेट लेते हैं, 2 लेते हैं या 3 लेते हैं, तो इसी को जनरलाइज करती है ये जनरल रिलेटिविटी। फिर आगे इसी से ही वो जनरलाइजेशन हो जाती है। दूसरा ये है कि हम स्पेशल रिलेटिविटी में फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं कि किस फ्रेम में, यानी रिलेटिव पोजिशन की बात करते हैं एक दूसरे के लिहाज से उसमें, एंड रिफाइंस न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उनको दोबारा ये स्टेट करते हैं जनरल रिलेटिविटी, प्रोवाइडिंग अ यूनिफाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रेविटी एज अ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस, यानी ग्रेविटी को स्पेस की एज अ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी के तौर पे ये देखते हैं। टाइम आर 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम, वही जो मैंने बात की थी कि स्पेस एंड टाइम आर 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम, यानी इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, ज्योमेट्री डिस्कस करते हैं, लेकिन ज्योमेट्री किस तरह डिस्कस करते हैं 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम को लेके, 3 स्पेस के कोऑर्डिनेट को लेके और 1 टाइम का कोऑर्डिनेट लेके हम डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी द यूनिवर्स इज अ स्मूथ मैनीफोल्ड। इस थ्योरी के मुताबिक क्या है, पूरी जो यूनिवर्स है वो स्मूथ मैनीफोल्ड है। अब मैनीफोल्ड का जब भी वर्ड आए तो इसका मतलब है कि कोई पर हम शेप की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो इस थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स जो है वो एक स्मूथ मैनीफोल्ड है, कि एक स्मूथ शेप है जिसमें हर पॉइंट का टेंजेंट वेक्टर जो है वो नॉन जीरो है, इक्विप्ड विद अ सीडो रिमानियन मैट्रिक, यानी कि जो सीडो रिमानियन मैट्रिक से ये रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी जिस पे डिफाइन हो सकता है। और सीडो रिमानियन मैट्रिक हमने क्या कहा था, जो यानी कि ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव डेफिनेट हो, यानी उसमें प्लस माइनस मिला के तो सम ऑफ स्क्वेयर आ रहा हो, तो उसको हम कहते हैं सीडो रिमानियन, विच डिस्क्राइब द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम, जो स्पेस टाइम के कर्वेचर को डिस्क्राइब कर रहा होता है। कर्वेचर अब क्या होता है, कर्वेचर का मतलब क्या होता है, बेंडिंग, यानी उसकी बेंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अंडरस्टैंडिंग दिस कर्वेचर, ये जो बेंडिंग है इसको
इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है इज इसेंशियल फॉर द पोजिशनिंग ऑफ सेटेलाइट्स इन टू द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ऑर्बिट के अराउंड द अर्थ, अर्थ के गिर्द जो ऑर्बिट सेटेलाइट्स मूव कर रहे हैं उनके उनके ऑर्बिट की पोजिशन को समझने के लिए ये हम कर्वेचर जो है ना ये यूज़ करते हैं या ये समझते हैं, ये जो कर्वेचर डिस्क्राइब करते हैं हम सीडो रिमानियन मैट्रिक्स से इस थ्योरी के मुताबिक। डिफरेंशियल ज्योमेट्री इज आल्सो इंडिस्पेंसेबल इन द स्टडी ऑफ ग्रेविटेशनल लेंजिंग एंड ब्लैक होल। डिफरेंशियल ज्योमेट्री हमारे पास ये काफ़ी सारी हेल्प करती है ग्रेविटेशनल लेंजिंग में एंड ब्लैक होल में। ग्रेविटेशनल लेंजिंग क्या है जी? ग्रेविटेशनल लेंस क्या चीज़ है? लेंस जिस तरह हम कहते हैं कि कनकेव और कन्वेक्स लेंस, बेसिकली हम क्या होता है कि वो एक पॉइंट पे फोकस करता है, इसी तरह ग्रेविटेशनल लेंस क्या होगा? अ ग्रेविटेशनल लेंस इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर। ग्रेविटेशनल लेंस क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर है बिटवीन अ डिस्टेंट लाइट सोर्स एंड एन ऑब्जर्वर, एक लाइट सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान, यानी जहाँ से लाइट निकल रही है सोर्स और एक ऑब्जर्वर के दरमियान। दैट इज कैपेबल ऑफ बेंडिंग द लाइट फ्रॉम द सोर्स एज द लाइट ट्रेवल्स टूवर्ड द ऑब्जर्वर, यानी कि जो बेंडिंग को, लाइट की बेंडिंग को रिप्रेजेंट करती है, जो लाइट ट्रैवल करती है ऑब्जर्वर की तरफ। दिस इफेक्ट इज नोन एज ग्रेविटेशनल लेंजिंग, यानी कि जो किसी सोर्स से लाइट निकल रही है और ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रही है और उसकी जितनी बेंडिंग हो रही है लाइट की, वो उसको जो डिस्कस किया जाता है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंस, क्योंकि वो लाइट यानी कि जो ग्रेविटी से वो कोई थोड़ी बहुत जो बेंड हो रही है या और कुछ, उसको फिर डिस्कस करने के लिए हम कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंजिंग, उसकी जो डिस्कशन है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंजिंग। डिफरेंशियल फॉर्म्स आर यूज इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में यानी डिफरेंशियल फॉर्म्स यूज होती हैं इसकी। डिफरेंशियल ज्योमेट्री हैज एप्लीकेशन टू बोथ लैग्रांजियन मैकेनिक्स, लैग्रांजियन मैकेनिक्स यानी मैकेनिक्स के स्टडी ऑफ मोशन, तो उसमें जो लैग्रांजियन हम डिफाइन करते हैं और हैमिल्टोनियन डिफाइन करते हैं उसके लिए जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री उसमें भी यूज़ होती है। सिंपलैटिक मैनिफोल्ड इन पार्टिकुलर कैन बी यूज टू हैमिल्टोनियन सिस्टम। सिंपलैटिक टाइप जो मैनिफोल्ड हैं वो पार्टिकुलरली हैमिल्टोनियन सिस्टम में यूज़ होते हैं जिसमें हैमिल्टोनियन हम डिफाइन करते हैं। इन केमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स वेन मॉडलिंग सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर अंडर वेरिंग प्रेशर, यानी कि जब सेल मेम्ब्रेन क्या मतलब, सेल से जो मेम्ब्रेन वो झिल्ली सी बनी होती है या प्रेशर को वेरी करके, तो वो जब उसकी मॉडलिंग करते हैं तो उसमें हमारे पास मॉडलिंग मैथमेटिकल मॉडल्स यानी बनाते हैं, तो उसमें केमिस्ट्री और बायोफिजिक्स में ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री यूज़ होती है। इकोनॉमिक्स डिफरेंशियल ज्योमेट्री एज एप्लीकेशन टू द फील्ड ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, इकोनोमेट्रिक्स की फील्ड में इकोनॉमिक्स में ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री यूज़ होती है। ज्योमेट्रिक मॉडलिंग इंक्लूडिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स में यानी जो ज्योमेट्रिक मॉडलिंग है, जो शेप बनाई जाती हैं, डिफरेंट फिगर्स होती हैं, ग्राफिक्स होते हैं, उसमें जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री यूज़ होती है। एंड कंप्यूटर एडेड ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ड्रा ऑन आइडियाज़ फ्राम डिफरेंशियल ज्योमेट्री, और कंप्यूटर की मदद से जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बनाए जाते हैं, जो शेप्स बनाई जाती हैं, वो डिफरेंशियल ज्योमेट्री के आइडियाज़ को लेके तो वो ड्रा किए जाते हैं। ये सारे यहाँ ये सारी इन इंजीनियरिंग डिफरेंशियल ज्योमेट्री कैन अप्लाई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के प्रॉब्लम जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है उनको सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल ज्योमेट्री यूज़ होती है। अब डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग क्या है कि हम क्या करते हैं कि वो जो सिग्नल होता है या जो भी वो मैसेज है उसको कोड करके हम डिजिटल लैंग्वेज में बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर आगे मैसेज सेंड करते हैं, और मैसेज जब रिसीव होता है, मैसेज रिसीव हो तो फिर उसके बाद उसकी डीकोडिंग करके तो दोबारा उसको फिर डीकोड करके तो वो दोबारा रीड आउट किया जाता है। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में डिफरेंशियल ज्योमेट्री यूज़ होती है। इन स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, अब जियोलॉजी क्या चीज़ है? जियोलॉजी हम क्या कहते हैं कि स्टडी ऑफ अर्थ यानी अर्थ के ऊपर जितनी भी कुछ शेप्स वगैरह हैं उनकी जो स्टडी के लिए डिफरेंशियल ज्योमेट्री यूज़ होती है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री इज़ यूज टू एनालाइज एंड डिस्क्राइब जियोलॉजिक स्ट्रक्चर, यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैं, यानी कोई माउंटेन पे स्ट्रक्चर है, अर्थ के अंदर स्ट्रक्चर है, जो भी कोई स्ट्रक्चर है, वो जो शेप है उसकी स्टडी को
करने के लिए हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री को यूज़ करते हैं। इन कंप्यूटर विजन डिफरेंशियल ज्योमेट्री यूज टू एनालाइज शेप्स। कंप्यूटर विजन में डिफरें कोई शेप्स को एनालाइज करने के लिए हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री यूज़ करते हैं। इन इमेज प्रोसेसिंग डिफरेंशियल ज्योमेट्री यूज टू प्रोसेस एनालाइज डाटा ऑन नॉन फ्लैट सर्फेसिस। इमेज प्रोसेसिंग में यानी नॉन फ्लैट डाटा नॉन फ्लैट सर्फेसिस के ऊपर एनालाइज करने के लिए यानी प्रोसेस करते हैं, यानी उसका इमेज एक लेते हैं नॉन फ्लैट सर्फेस पे और उसको स्टडी करने के लिए फिर ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री यूज़ होती है। तो इस तरह ये डिफरेंट फील्ड्स में ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री यूज़ होती है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं।